Today we'll be completing this appropriate preposition from 21st to 30. There will be two slides. So first slide is easily in front of you. After completion of this slide, we're starting second slide. Now, first word is ability for. Ability for. हिंदी होती है के लिए क्षमता. आपको हिंदी बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि अगर एबिलिटी लिखा है तो हिंदी उसका इधर रहेगा ही, राइट. सो एबिलिटी फॉर के लिए क्षमता. अगर एबिलिटी सेंटेंस में आएगा तो उसके साथ आपको फॉर लगाना चाहिए, ध्यान रखिएगा. देन एक्सेप्शन टू. एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू का अपवाद. तो एक्सेप्शन वर्ड के साथ टू लगता है, भूलना नहीं. फिर रेलिश फॉर. रेलिश मतलब रुचि होता है. तो रेलिश फॉर हिंदी होगी के लिए रुचि. इंटरेस्ट. लैक ऑफ. लैक ऑफ मतलब की कमी, अचाहे की अभाव. कमी अभाव एक ही बात है. और इस स्लाइड का लास्ट है कंटेम्प्ट फॉर. कंटेम्प्ट फॉर के लिए घृणा. तो आपको ध्यान रखना है कि एबिलिटी के साथ फॉर आता है सामान्यतः, एक्सेप्शन के साथ टू आता है, रेलिश के साथ फॉर आता है, लैक के साथ ऑफ आता है, कंटेम्प्ट के साथ फॉर आता है, राइट. ये आपको ध्यान रखना है. अभी इनका यूज करते हैं सेंटेंस में, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. एबिलिटी के साथ फॉर आता है, राइट. तो राम हैज एबिलिटी फॉर कंपटीशन. राम को है एबिलिटी, क्षमता प्रतियोगिता के लिए. राम को प्रतियोगिता के लिए क्षमता है. कंपटीशन में प्रतियोगिता होता है तो आपको पता ही है ना. इस वर्ड को सब जानते हैं, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा. सो राम हैज एबिलिटी फॉर कंपटीशन. राम को प्रतियोगिता के लिए क्षमता है. तो यहाँ पे एबिलिटी का क्षमता और फॉर का के लिए आपको यूज करना है सेंटेंस के हिंदी में. नेक्स्ट इज एक्सेप्शन टू. एक्सेप्शन टू मतलब का अपवाद. तो इसका सेंटेंस जो है हमारे पास है, इट इज एक्सेप्शन टू द रूल. इट इज एक्सेप्शन टू द रूल. अब जब पढ़ते हैं कोई रूल तो लास्ट में क्या लिखा रहता है, एक्सेप्शन लिखा रहता है और कुछ लिखा रहता है. तो उसको हम अगर बोलेंगे तो ऐसे बोलते हैं, इट इज एक्सेप्शन टू द रूल. मतलब यह रूल का अपवाद है, यह नियम का अपवाद है. तो का अपवाद हिंदी होता है और हमेशा टू का प्रयोग करना चाहिए एक्सेप्शन के साथ. मोस्टली यही करते हैं, जो लिख दिया हमने ना, मोस्टली इसी का प्रयोग करते हैं हम. रेलिश फॉर. रेलिश फॉर मीन्स के लिए रुचि. रेलिश फॉर मीन्स के लिए रुचि. एक और मिलेगा अभी हमें. तो रेलिश फॉर के लिए रुचि, इसका सेंटेंस है, मीरा हैज रेलिश फॉर डिलीशियस फूड. मीरा हैज रेलिश फॉर डिलीशियस फूड. मतलब मीरा को रुचि है स्वादिष्ट खानों खाना के लिए. मीरा को स्वादिष्ट खाना के लिए रुचि है. यहाँ पे रेलिश फॉर क्रिकेट भी कर सकते हैं, मतलब मीरा को क्रिकेट के लिए रुचि है. कुछ भी कर सकते हैं आप, जो आपकी मर्जी होगी वो कर दीजिएगा, राइट. सो रेलिश फॉर हो गया. नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ. लैक ऑफ का मतलब की कमी. लैक ऑफ का की कमी. इसका है अबीजीबी लैक्स ऑफ. बीजीबी का मतलब होता है एक व्यस्त आदमी. एक व्यस्त आदमी बीजीबी का मतलब होता है लैक्स, कमी होती है ऑफ टाइम, समय की. एक व्यस्त आदमी को समय की कमी होती है. एक व्यस्त आदमी को समय की कमी होती है, यहाँ पे यही है. और बीजीबी का हिंदी होता है एक व्यस्त आदमी. तो एक व्यस्त आदमी को समय की कमी होती है, इसको वर्ब बना दिया हमने एक्चुअली. नाउ कंटेम्प्ट फॉर मतलब के लिए घृणा. आई हैव कंटेम्प्ट फॉर दिस ऑनेस्ट पर्संस. आई हैव कंटेम्प्ट, मेरे पास या मुझे घृणा है. मुझे घृणा है बेईमान लोगों के लिए. बेईमान लोगों के लिए मुझे घृणा है, मतलब जो बेईमान लोग हैं उनसे घृणा करता हूं, ऐसा मतलब होता है. सो मुझे बेईमान लोगों के लिए घृणा है. सो ऐसे यूज करते हैं कंटेम्प्ट फॉर को. इस स्लाइड का तो हो चुका है एबिलिटी फॉर, एक्सेप्शन टू, रेलिश फॉर,
lack of contempt for. Next one है experience in मतलब का अनुभव. experience in इसका अनुभव. तो experience word sentence में अगर यूज होगा तो आप लगाएंगे in preposition. अगर सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस है राम हैज एक्सपीरियंस इन टीचिंग. राम को एक्सपीरियंस है, अनुभव है इन टीचिंग, मतलब टीचिंग का, राम को टीचिंग का एक्सपीरियंस है. यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप लोग मात खा सकते हैं, ठीक है. इधर ऑफ रह देगा, ऑन रहेगा, और फिर जो ये आंसर है यह भी रहेगा और ए भी रहेगा. अब कहेगा कि चार ऑप्शंस हैं और जहां पर इन है इधर ब्लैंक है, क्या होगा? तो राम हैज एक्सेप्शन और फिर इन नहीं है टीचिंग. आप मीनिंग निकालेंगे, सॉरी, राम हैज एक्सपीरियंस, एक्सेप्शन बोल दिया था मैंने, राम को टीचिंग का अनुभव है, तो यहाँ पे मीनिंग निकालेंगे. अब आपको ऑफ भी सटीक लगेगा, आपको ऑन भी सटीक लगेगा, इन भी लगेगा, इन टू भी लगेगा. आंसर क्या है? इन. क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ इन आता है मोस्टली. तो ऐसे ही एग्जाम में पूछता है. फिर है ऑथोरिटी ओवर. ऑथोरिटी ओवर मतलब पर अधिकार. सेंटेंस है वन हैज ऑथोरिटी ओवर वंस विल. विल का मतलब क्या होता है? इच्छा, चाहत. तो वन हैज ऑथोरिटी मतलब सभी को अधिकार होता है अपने इच्छा पर. सभी को अपने इच्छा पर अधिकार होता है, जो चाहते हैं वो करते हैं हम, ये हमारा अधिकार है. तो ऑथोरिटी के साथ क्या आता है प्रीपोजिशन? ओवर. ये ओवर वाला पहला वर्ड आया है, ऑथोरिटी ओवर, ये ध्यान रखिएगा. फिर एपेटाइट फॉर, हमने रिलीज फॉर देखा था वहां पे, रिलीज फॉर की हिंदी भी थी के लिए रुचि. इधर एपेटाइट फॉर, एपेटाइट फॉर इसकी भी हिंदी है के लिए रुचि. सेंटेंस देखते हैं, हेली हैज एपेटाइट फॉर नॉलेज. हेली को रुचि है ज्ञान के लिए, पहेली को ज्ञान के लिए रुचि है. तो ये हो गया एपेटाइट फॉर. हाँ, रिलीज फॉर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप, और रिलीज फॉर में जो हमने डाला था वहां पे डिलीशियस फूड चाहे क्रिकेट, वहां पे नॉलेज भी डाल सकते हैं आप. तो किसी को कहीं भी रिलीज फॉर चाहे एपेटाइट फॉर कहीं भी यूज करिए और दोनों के साथ फॉर आएगा. फिर है एंग्जाइटी फॉर, इसे पढ़ते हैं एंग्जाइटी, ग है ये, ग, एंग्जाइटी. एंग्जाइटी मतलब, एंग्जाइटी फॉर मतलब की चिन, के लिए चिंता. एंग्जाइटी में चिंता होता है, साफ लिखना पड़ेगा. एंग्जाइटी हिंदी है के लिए चिंता, जैसे हम सब चिंता करते हैं. स्टूडेंट्स हैव एंग्जाइटी फॉर जॉब्स, जॉब्स कर देते हैं. विद्यार्थियों को नौकरी के लिए चिंता होती है, विद्यार्थियों को नौकरी के लिए चिंता होती है. स्टूडेंट्स हैव एंग्जाइटी फॉर जॉब्स, ये हो गया. फिर है डिस्ट्रस्ट ऑफ, डिस्ट्रस्ट. ट्रस्ट का मतलब जानते हैं, पढ़ चुके हैं, विश्वास. डिस्ट्रस्ट का उल्टा होता है अविश्वास, हो गया मीनिंग, हो गया ट्रस्ट का उल्टा अविश्वास. और ऑफ मतलब में, का नहीं, में. डिस्ट्रस्ट ऑफ मतलब में अविश्वास. सेंटेंस होगा मीरा हैड डिस्ट्रस्ट ऑफ राम. मीरा को अविश्वास था, मीरा हैड डिस्ट्रस्ट, मीरा को अविश्वास था ऑफ राम, मतलब राम में. यहाँ भी आपको धोखा दे देगा ये, कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा ऑफ ही, आप इन मत कर दीजिएगा. इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट किया है. इसमें का पढ़ का फिर पिछला वाला स्लाइड फिर से पढ़ लेंगे, फिर समाप्त कर देंगे. एक्सपीरियंस इन मतलब का अनुभव, ऑथोरिटी ओवर पर अधिकार, एपेटाइट फॉर के लिए रुचि, एंग्जाइटी फॉर के लिए चिंता, डिस्ट्रस्ट ऑफ में अविश्वास. इसके बाद है एबिलिटी फॉर के लिए क्षमता, एक्सेप्शन टू का अपवाद, रिलीज फॉर के लिए रुचि, लैक ऑफ की कमी, कंटेम्प्ट फॉर के लिए घृणा.